आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, नेशनल वॉच न्यूज चैनल ने अभी 3-4 दिन पहले आपको खबर दिखाई थी कि राजधानी लखनऊ के स्वास्थ्य भवन से कैसरबाग बस अड्डे जाने वाली सड़क पर लगातार जाम लगा रहता है, जिसको लेकर लखनऊ की कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने हाईकोर्ट के पुराने हाईकोर्ट के गेट नंबर 8 के सामने बने वकीलों के चैम्बर ध्वस्त करने का एक फरमान जारी किया था, जिसके बाद से वकील लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दोस्तों, शनिवार को एक घटनाक्रम में बदल आया और राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह पहुंचे वकीलों के समर्थन में। वकीलों की समस्या उन्होंने सुनी, क्योंकि इसी रास्ते से राजनाथ सिंह समेत सभी लोकसभा के प्रत्याशी अपना नामांकन दर्ज कराने के लिए जिलाधिकारी लखनऊ के कार्यालय जाएंगे। उन्होंने कहा कि रोशन जैकब जी जो मंडल आयुक्त है, उनका यह आदेश गलत है, क्योंकि वकीलों ने सड़क के किनारे नाली के उस पार अपने चैम्बर्स बनाए रखे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मंडल आयुक्त से बातचीत करूंगा, और उनके आश्वासन के बाद फिलहाल वकीलों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। आइए हम वकीलों से बातचीत करते हैं, क्योंकि सेंट्रल बार एसोसिएशन ने भी आश्वासन दिया है। जी, पुराने हाईकोर्ट के गेट नंबर 8 के सामने अधिवक्ताओं के जो चैम्बर बने हैं, लखनऊ कमिश्नर ने उसको ध्वस्त करने का, उनको गिरा देने का एक फरमान जारी किया था। लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? लखनऊ मंडलायुक्त ने जो भी आर्डर किया है वो इलीगल है, क्योंकि हाईकोर्ट जब यहाँ था तब भी इस जगह पे टाइपिस्ट अधिवक्ता बैठते थे। हाईकोर्ट के जाने के बाद भी आज भी वहाँ पे बैठ रहे हैं। उन्होंने जो माननीय उच्च न्यायालय ने ऑर्डर किया था फुटपाथ को साफ कराने का, तो हम लोग फुटपाथ पे को साफ कराने में कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी अधिवक्ता का चैम्बर जो फुटपाथ से अलग है, अगर उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे या उससे छेड़छाड़ करेंगे, तो हम लोग उसके पुरजोर विरोध करेंगे। और चाहे जो भी हो, प्रशासन से लड़ना पड़े, शासन से लड़ना पड़े, उसके लिए सेंटर बार एसोसिएशन पूरा अपने अधिवक्ता साथियों के साथ साथ में है। और चाहे जिस तरह का आंदोलन हो, चाहे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व यहाँ से करना पड़े, उसको किया जाएगा और चैम्बर नहीं टूटने देंगे। देखिए, निश्चित तौर पर कमिश्नर महोदय का ये आदेश तानाशाही का दौर दर्शाता है और गलत है। इल्लीगल इसलिए है कि 1985 में भी इसी तरीके का एक विवाद आया था। यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने एक सूट फाइल किया था, उसमें बाकायदा इसकी पैमाइश हुई थी। आधी सड़क इसमें जो है नगर निगम की नहीं, बल्कि हमारे उच्च न्यायालय की परिसर के अंदर की जमीन है, इसमें बाकायदा नगर निगम को यहाँ से वापस जाना पड़ा था। और निश्चित तौर पर हम कह रहे हैं कि अगर मंडलायुक्त महोदय को कोई फरमान जारी करना है, तो पहले एक पैमाइश कराएं कि ये लैंड में माननीय उच्च न्यायालय की जो पुराना हाईकोर्ट है, उसकी लैंड कहाँ से कहाँ तक आती है। अब इस समय ये लैंड चूंकि जनपद न्यायाधीश के महोदय के अंडर में आती है, अगर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय कोई आदेश देंगे तो निश्चित तौर पर हम उसका पालन करेंगे, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है, इनलीगल, अवैधानिक है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन आज माननीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हैं, इसलिए आए हैं कि इनके अधिवक्ता साथी विगत 5 दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, उन्हें ये आश्वासन देने आए हैं कि सेंट्रल बार उनके साथ है, फिलहाल ये अपने धरने को समाप्त करते हैं। और हमारा सेंट्रल बार का एक पत्र माननीय एजे महोदय के यहाँ भी गया है, मंडल आयुक्त महोदय के यहाँ भी गया है, आने वाले समय में उनसे वार्ता होगी और एक सकारात्मक परिणाम की तरफ हम बढ़ेंगे। गौरव जी, पुराने हाईकोर्ट के गेट नंबर 8 के सामने जो वकीलों के चैम्बर बने हुए थे, उसको ध्वस्तीकरण का आदेश मंडलायुक्त ने दिया था। पिछले कई दिनों से आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो आज का क्या घटनाक्रम रहा, कौन कौन लोग आपके पास आए, किससे आश्वासन मिला और क्या धरना अब आगे जारी रहेगा? माननीय हमारे जो है नीरज सिंह भैया जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितने भी जो है यहाँ चैम्बर्स हैं अधिवक्ताओं के, और हम अधिवक्ताओं के साथ हैं, वो कुछ नहीं होंगे, कोई ध्वस्तीकरण नहीं होगा। और यही फरमान जो है, यही आदेश माननीय जो है मंडलायुक्त जी से जो है निवेदन किया जाएगा, और उनसे कहा जाएगा कि कोई किसी तरह की जो है अधिवक्ताओं की चैम्बर्स को का ध्वस्तीकरण ना हो, क्योंकि हम उनके साथ हैं। मैं पुष्कर शुक्ला अधिवक्ता, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो धरना था हमारा, वो अब जाके समाप्त हो चुका है। इस धरने पे हमारा जो रिजल्ट मिला है, उसमें स्वयं
नीरज सिंधिया जी आए यहाँ रुके, जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं वो आए, हमें आश्वस्त किए कि यहाँ पे कोई भी चैम्बर नहीं टूटेगा, अगर कोई भी चैम्बर टूटा तो वो कार्रवाई कर सकते हैं, वो बात भी करेंगे मंत्रालय से। और हमारा बार जो हमारे साथ अब जाके खड़ा है सेंट्रल बार, उन्होंने भी आज आश्वासन दिया कि यहाँ पे हम चैम्बर नहीं गिरने देंगे। इसी के साथ साथ हम अपने इस मुहिम को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर आगे कुछ ऐसा कार्रवाई होता है कमिश्नर से या डीएम से तो पुनः हम लोग ये कह दे रहे हैं कि ये तो छोटा सा सैलाब था, आगे बहुत लड़ाई है। हम अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता एकता जिंदाबाद होती है और अधिवक्ता की एकता हर जगह दिखती है, वो हम दिखा भी देंगे कि हम अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता किसी से झुकता है। तो दोस्तों देखा आपने राजनाथ सिंह के सुपुत्र नीरज सिंह जो भाजपा नेता है, उनके आश्वासन के बाद फिलहाल वकीलों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। लेकिन स्वास्थ्य भवन से कैसरबाग बस अड्डे जाने वाली सड़क पर लगने वाला जाम एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए भी। तो अब देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन इस जाम की स्थिति से कैसे निपटता है, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था और दिखाया था कि सैकड़ों हजारों की संख्या में यहां पर वादकारी आते हैं, रोडवेज की बसें निकलती हैं और जाम लगातार बना रहता है। तो अब देखते हैं कि वकीलों को तो मुक्ति मिल गई धरना प्रदर्शन से, लेकिन जाम से लखनऊ शहर को कब मुक्ति मिलती है, ये देखने वाली बात होगी।